धार की भोजशाला में एसआई सर्वे का 42वां दिन है। एसआई के 17 अधिकारी भोजशाला में सर्वे कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ 20 मजदूर भी परिसर में मौजूद है। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में एसआई का सर्वे किया जा रहा है। कल भोजशाला परिसर में मिट्टी हटाने का कार्य किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर भोजशाला में आज 42वां दिन अधिकारियों के साथ 20 मजदूर सुबह से ही परिसर में पहुंचे हुए हैं, कई तथ्यों को खंगाल रहे हैं। लगातार तस्वीर साफ भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बेहद ही बारीकी से अब ये पूरा काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की संरचना पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे, किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर बड़े ही सावधानी से यहाँ पर खुदाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रेणु, आज 42वां दिन क्या कुछ खास हो सकता है? जी, आपको बता दूं कि आज 42वां दिन है, अधिकारी ज्यादा है लेकिन मजदूरों की संख्या कम है, और अभी जो है जीपीआरएस मशीन का इंतजार किया जा रहा है कि वो मशीन आएगी तब काम में गति बढ़ेगी। फिलहाल जो है दरगाह परिसर में सर्वे का काम बंद है, लेकिन भोजशाला परिसर के अंदर गर्भगृह के सामने की ओर जो 3 दीवार की लेयर निकली थी, उसी के जो है 7 जो पॉइंट्स बनाए गए थे उसी को क्लियर किया जा रहा है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है। वही भोजशाला के पीछे की ओर पश्चिम दिशा में जो है लगातार जो एक पॉइंट बनाया है उसकी डिगिंग की जा रही है, वहां से मिट्टी हटाने का और लेवलिंग का काम चल रहा है। कल हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां से एक जो है एक चिन्ह मिला है, अवशेष मिला है, जिसकी क्लीनिंग कर सफाई कर रख लिया गया है। वही आपको बता दें कि एक और साइड बाहर की ओर साइड जो है पत्थर की सपोर्टिंग वॉल बनाई जा रही है, ताकि मॉन्यूमेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान न हो। तो इस तरीके से भोजशाला परिसर के अंदर और परिसर के बाहर लगातार सर्वे जारी है। अभी चूंकि चुनाव हो रहे हैं, सर्वे अधिकारियों की संख्या कम है, शादी ब्याह का सीजन है, मजदूरों की संख्या भी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है सर्वे की जो गति है बढ़ेगी, चूंकि 56 दिन का समय दिया गया है और सर्वे की गति बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जो अवशेष बरामद हुए हैं जल्द ही वो बड़े सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं और तस्वीर भी भोजशाला की साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तारीख से चल ये सर्वे प्रारंभ हुआ था जो 96 दिन चलने वाला है, जिसका आज 42वां दिन है। अभी सर्वे टीम और जो लेबर है वो अंदर पहुंच चुके हैं, काम चालू हो गया है। कल जो काम चला था वह गर्भगृह में भोजशाला के दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में कार्य चला था। पश्चिम दिशा के कोने पे एक खंडित अवशेष जो खंभे का था वो निकला था, जिसे सर्वे टीम ने सुरक्षित किया है। देखिए, सर्वे स्टार्टिंग से जो चल रहा है वो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार्बन डेटिंग, पेपर स्टैंपिंग, और जो भी अपने तरीके से टीमें आई है, साइंस की टीम आई है, उन्होंने अपने तरीके से सब ने अपना अपना काम किया है। और आने वाले दिनों में जीपीआरएस मशीन और जो भी तकनीक से वो लोग करना चाह रहे हैं, कोर्ट से चूंकि उनको टाइम कुछ सप्ताह का और मिला है, तो वो लोग अपने हिसाब से ये सर्वे का कार्य आगे बढ़ाएंगे और कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बढ़ाएंगे। और चूंकि टीम अभी चुनाव भी चल रहे हैं, चुनावी मामले भी है, तो टीम में संख्या अधिकारियों की कम है।